तहसील भोगनीपुर क्षेत्र में यमुना नदी में लगातार बढ़ रहे जल स्तर के दौरान ट्योंगा क्योट्रा समेत कई गांव जलमग्न हो गए हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल पैदा हो रहा है। जहां लगातार पानी के बढ़ रहे जल स्तर के दौरान गांव के लोग अपने परिवार पशुओं समेत पलायन करने को मजबूर हैं। बाढ़ पीड़ितों ने बताया कि तहसील स्तर पर किसी भी अधिकारी द्वारा हमें अभी तक कोई भी मदद मुहैया नहीं कराई गई है, जिसके चलते हम लोग अपने परिवार समेत जंगलात टीलों पर रहने को मजबूर हैं, जहां हम लोगों को राशन पानी समेत खास समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए अभी तक तहसील प्रशासन ने नाव समेत राहत सामग्री तक उपलब्ध नहीं कराई है, जिसके कारण बाढ़ पीड़ितों को खाने पीने की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। देखिए इस खास न्यूज़ को इंडियन प्राइम न्यूज़ के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। क्या नाम है आपका? ब्रज बिहारी। किस गांव के रहने वाले? क्योट्रा। अच्छा, यहाँ पर करीब देख रहे हैं आप, करीब एक दर्जन से ज्यादा परिवार यहाँ पे पन्नी जाकर रह रहा है। 15-20 परिवार है। 15-20 परिवार है, किस लिए ऐसे, क्या हालात बन गए यहाँ पे इस तरीके रह रहे हैं? घर में पानी भर गया है। बाढ़ आ गई गाँव में? क्या बाढ़ इतनी नहीं, बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। हाँ। और पानी भरने की वजह से सब जानवर बकरी जो है सब दिया के जंगल में टिक गया। अच्छा, जिस तरीके से आप यहाँ पे बाढ़ की स्थिति आने के दौरान में आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो क्या तहसील स्तर का कोई अधिकारी मौके पर आया, सुध ली आप लोगों की? तहसील के लिए ना सरकारी कोई भी अधिकारी मतलब नाम से कोई आया नहीं यहाँ पे। क्या क्या दिक्कतें निकल के आ रही हैं इसमें? दिक्कतें ये आ रही है कि ना तो खाना की व्यवस्था बन पा रही है, बोट है ही है मतलब लेके आए हैं बाहर से रिश्तेदारों की आई है, तो वो उससे जाके घर पर जो जिनके घर बच्चे हैं ऊंचे पे टीला पे उनके यहाँ से खाना आ रहा है। अच्छा, अधिकारियों ने यहाँ पर नाव व्यवस्था नहीं की है क्या? कोई अधिकारी नहीं किया यहाँ, आप लोगों ने स्वयं अपनी व्यवस्था करी है? स्वयं करी है। आपका देवती कहाँ के रहने वाली हैं आप? केटरा के। अच्छा, यहाँ पर लगातार यहाँ पर आप लोग पन्नी डाल के रह रहे हैं, किस लिए रह रहे हैं, क्या दिक्कतें हैं आपको? जो दिक्कत है कि ना हमारे पास जगह, ना हमारे पास खेती है, ना हमारे पास मजदूरी वाला कुछ काम है। अब जमुना भर गई, अब हम कर रहे हैं, ना हमारे पास जगह है। क्या गांव में बाढ़ आ गई? बाढ़ आ गई, जमुना मनचाई भरी है, हमारे लड़का बच्चा भूखन मर रहे हैं, घर द्वार हमारे पास है नहीं, ना झोपड़ी डाल पन्नी है। अच्छा, तो बाढ़ की स्थिति क्या अगले साल की तरह इससे ज्यादा आई कि आ रही है और दिक्कत जब मिल रही है वही पर हम जा नहीं पा रहे हैं, और क्या कहते हैं ईंधन कंडा लकड़िया खान की व्यवस्था हमारी किया जा और घर द्वार की झोपड़ी के लाने व्यवस्था बनाई। अच्छा, खाने वाने क्या व्यवस्था चल रही है आपकी? आपकी का कुछ नहीं चल रही है, हम तो भूखे प्यासे आधान लड़का हम उधर जा रहे हैं, पैसा कौड़ी है नहीं, उधार कुदे दिए ना भाई, दिक्कत में ना पानी में पैसा कौड़ी ले आ पाए, ना मजूरी का पानी पी के रहा, जब कुछ दिक्कत ना हो। शासन तहसील स्तर कोई अधिकारी मौके पे आया जांच करने के लिए? नहीं, कुछ नहीं आया।